माय डियर फैंस एंड फ्रेंड, नमस्कार दोस्तों, मैं एक टेक्सटाइल एक्सपर्ट हूं और ये मेरा पहला वीडियो है जो कि आपके सामने आ है। मैं कुछ टेक्सटाइल के सीक्रेट बताने के पहले आपको अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। मेरा नाम रोज कुमार वाही है, मेरी एज 55 है। मेरे पिताजी सुदर्शन कुमार वाही अमृतसर टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट में प्रोफेसर थे। मैं सस्मिता इंस्टीट्यूट में मैंने 1982 में CWMMF का के बैच का स्टूडेंट था और 1980 में IWFS का कोर्स मैंने क्लियर किया था। मुझे 35 साल का एक्सपीरियंस है। मैंने इस दरमियान बहुत सी कंपनियों में काम किया, जिसमें दो मुख्य रूप से हैं, एक है फेमिना टेक्सटाइल प्राइवेट लिमिटेड, जिसमें मैंने लगभग 8-10 साल काम किया और जिसमें मैं अभी काम कर रहा हूँ, जीएम सिंटेक्स प्राइवेट लिमिटेड, जिसमें मैं लगभग 8 साल से क्वालिटी इंचार्ज के रूप में कार्यरत। मैं आपको कुछ टेक्सटाइल के सीक्रेट बताने वाला हूँ, से जो टेक्सटाइल में है, जो इसे अडॉप्ट करेंगे तो उनकी प्रोफेशनल रूटीन वर्क में ये सीक्रेट काम आएंगे। कहते हैं ना, वेल बिगन इज हाफ डन। अच्छी शुरुआत हो जाने से आधा काम मुकम्मल हो जाता है। मुझे एक किस्सा याद है, जब मैंने ये जीएम सिंटेक्स ज्वाइन किया था तो मैं रोज स्टेशन से जब वॉयसर की तरफ जाता था तो मैंने पास नहीं निकाला था, पहले मैं टिकट लेता था। जब मैं टिकट लेता था तो एक दूसरी लाइन में एक बंदा वो भी टिकट लेता था, मैं अपने एक टिकट लेता था, वो बंदा वही टाइम पर दो टिकट लेता था और मेरे साथ में जाता था। मैंने लगभग उसको एक महीना नोटिस किया कि मैं एक टिकट ले रहा हूँ, वो टिकट ले रहा है। मैंने एक दिन उससे पूछा, अरे यार तू तो अकेला जाता है फिर दो टिकट क्यों लेता है? वो बंदा कहने लगा, यार इधर के पॉकेट मारों से मुझे बहुत डर लगता है और टीसी जो मुंबई के हैं ये भी बहुत शेड्यूल्ड होते हैं, आदमी को चेहरे से पकड़ लेते हैं जिसके पास टिकट वगैरह नहीं होती है। अच्छा तू ये तो बता, मैंने कहा कि तू दो टिकट क्यों लेता है? बोलता है वो ऐसा है कि दो इसलिए कि अगर एक टिकट गुम हो जाए तो दूसरी टिकट मैं तीसरी को बता दूं। अच्छा अगर दूसरी टिकट गुम हो जाए तो वो फिर कहने लगा वो पहले वाली टिकट बता दो। फिर मैंने पूछा अगर तेरी दोनों टिकटें गुम हो जाए तब तू क्या करेगा? फिर वो तो खुशी के मारे पागल हो गया, तो बोलता फिर तो मेरे को कोई चिंता ही नहीं है। वो टोपी पहनता था, वो टोपी उतार के बोलता है मैंने देखो पास भी निकाला हुआ है। तो ये मैं इसलिए आपको बताना चाहता हूँ, उसने अपने आप को तीनों चारों तरफ से सिक्योर कर दिया कि कल को कोई मेरी रास्ते में या कहीं जगह पर मेरी इंसल्ट फील ना हो। यही मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप किसी जगह पर कार्यरत हैं तो आपको अपने आप को कैसे मजबूत करना है। मैं पहले वीडियो में एक चीज आपको बताना चाहता हूँ, मैं अगर शुरुआत ABCD से करता हूँ तो शायद आपको ये सारी बातें क्लियर कट समझ में आ जाएंगी। अगर मैं बीच में से शुरू करूँगा तो शायद आप तो थोड़ा कुछ भी कंफ्यूजन रहेगी। टेक्सटाइल में मैं आपको वीकली एक वीडियो देने वाला हूँ जिसमें क्वालिटी के बारे में, प्रोडक्शन के बारे में, डिजाइनिंग के बारे में, सेटअप के बारे में, आप समझ लीजिए कि लगभग टेक्सटाइल में जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, डिफिकल्टीज आती हैं या इसके जो भी लूप होल्स वगैरह हैं, मैं एक एक करके एक एक वीडियो में सब आपको बताने वाला हूँ। मैं पहले वीडियो में आपसे एक गुजारिश करता हूँ, अगर आपने मेरे
मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर करिए। मैं आपको सबसे पहले टेक्सटाइल की जो ABCD है शुरुआत के तीन मोशन बताता हूँ। पहला मोशन है प्राइमरी मोशन, दूसरा है सेकेंडरी मोशन, तीसरा है ऑक्सीलरी मोशन। पहला प्राइमरी मोशन में आते हैं किकिंग, ब्रीदिंग और शेडिंग। ये अगर प्राइमरी मोशन को अच्छी तरह से समझ लिया जाए तो मुझे लगता है आपको कोई आगे चल कर डिफिकल्टी नहीं आएगी। और दूसरा मोशन जो है सेकेंडरी मोशन है, ये लेट ऑफ और टेक अप होता है। कपड़ा पीछे से अनरोल होता है और आगे से थोड़ा टेक अप। और तीसरा ऑक्सीलरी मोशन जिसे कहते हैं हार्ट स्ट्रोक मोशन है, लेफ्ट स्ट्रोक मोशन। ये तीन अगर मोशन, ये तीन चीज़ें अगर आपको अच्छी तरह से समझ आते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई आगे रोक सकता है। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको एक एक वीडियो करके आगे देने वाला हूँ जिसमें आपकी सारी डिफिकल्टी तो दोस्तों मैं ये पहले वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ।